सब कॉन्ट्रोवर्सी का, मेरे को बिग बॉस से कॉल आया, मैं शॉक हो गया कि सलमान क्यों नहीं कर रहा। तो नमस्कार, तो स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। भले ही मुनाहर हकी के कॉमेडी शो कैंसिल होते जा रहे हैं, लेकिन उससे मुनाहर हकी का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड मुनाहर की जनता के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जैसा कि आपको पता हो कि मुनाहर फारकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 पर जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां पर नहीं जा पाए थे। इसलिए मुनाहर की जनता बहुत ही बेतबरी से इंतजार कर रही थी कि मुनाहर कौन से रियलिटी शो पर अब देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली जाकर कंफर्म हो चुका है कि बिग बॉस 16 के फर्स्ट कंटेस्टेंट मुनाहर फारकी कंफर्म हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड इस खबर के आने के बाद मुनाहर की जनता काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। एंड मुनाहर फारकी ने जब से लॉकअप शो के ट्रॉफी जीती थी, तो मुनाहर फारकी के चाहने वालों की संख्या काफी ज्यादा तादाद में हो चुकी है, जिसका फायदा बिग बॉस 16 में उसको मिलने वाला है। एंड इसकी TRP बहुत ही हाई जाने वाली है। एंड फाइनली जाकर मुनाहर की जनता को मुनाहर फारकी किसी रियलिटी शो में दोबारा देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है कि मुनाहर फारकी बिग बॉस 16 के विनर भी हो सकते हैं। एंड साथ ही एक वीडियो हमें मिला है जिसमें मुनाहर फारकी ने बिग बॉस 16 को लेकर क्या कुछ कहा, आप देखिए उनकी इस वीडियो में। तो अभी ये सब कॉन्ट्रोवर्सी का, मेरे को बिग बॉस से कॉल आया। मैं शॉक हो गया कि सलमान क्यों नहीं कर रहा। देखो होस्ट के लिए नहीं, कंटेस्टेंट के लिए फोन किया। बोला देखो एज ए कंटेस्टेंट मेरे को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो जब सुबह वो म्यूजिक बजा के उठाते हो ना, उसमें सोनू निगम का गाना नहीं बजना चाहिए। तो आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड अगर आप मुनाहर फारकी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को पता चल पाए कि मुनाहर फारकी बिग बॉस 16 में दिखने वाले हैं। एंड आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।